नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2019 भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होगा। देश इस वक्त एक बहुत अहम मोड़ पर है और अगले साल जब लोकसभा चुनाव होंगे तब ये तय होगा कि भारत में मोदी सरकार की वापसी होगी या फिर कोई और सत्ता की चाबी छीन लेगा। राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए मई 2019 तक का समय कई तरह के उतार चढ़ाव से भरा होगा। 2019 में भारत का डीएनए कैसा होगा, ये समझने के लिए जी न्यूज ने एक राजनीतिक सम्मेलन किया और इसमें हमने उन तमाम राजनेताओं को बुलाया जो 2019 की राजनीतिक लड़ाई के सबसे बड़े योद्धा हैं। इस राजनीतिक सम्मेलन में हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे। बीजेपी के रणनीतिकार राम माधव से भी हमारी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव और बिहार से तेजस्वी यादव एक साथ हमारे मंच पर मौजूद थे। हमने कांग्रेस के भी बड़े नेताओं से चर्चा की कि राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा। इस राजनीतिक सम्मेलन में कई नेताओं ने अपने मन की बात हमसे खुलकर कही। 2019 की राजनीति को अगर देखें तो कई महत्वपूर्ण बयान जी न्यूज के मंच से दिए गए। ये बयान 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है और आज आप ये सारे बयान एक साथ देख पाएंगे, सुन पाएंगे। जैसे किसी इंसान का डीएनए होता है वैसे ही देश का भी डीएनए होता है और भारत तो हजारों वर्ष पुराना देश है। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश का डीएनए दुनिया का सबसे प्राचीन डीएनए है। डीएनए को आप किसी का स्वभाव भी कह सकते हैं। किसी देश का चरित्र कैसा है ये देश के लोगों के डीएनए से तय होता है और जैसा देश का डीएनए होगा वैसा ही देश की राजनीति का डीएनए भी होता है। इसीलिए हमने अपने राजनीतिक सम्मेलन का नाम रखा इंडिया का डीएनए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जी न्यूज ने डीएनए शब्द को राजनीति की दुनिया का सबसे प्रचलित शब्द बना दिया है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जम्मू में रैली की। अमित शाह ने गुलाम नबी आजाद और सैफुद्दीन सोज के बयानों पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि देश राहुल गांधी से जानना चाहता है कि वो कौन सा रिश्ता है कि लश्कर ए तैयबा और गुलाम नबी आजाद के विचार एक जैसे हो जाते हैं। भाई गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के प्रमुख नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, वो बयान करते हैं, मैं तो अपने मुंह से बयान को रिपीट भी नहीं कर सकता, दोहरा भी नहीं सकता। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसे अपने खून से सींचा है और बीजेपी कभी इसे भारत से अलग नहीं होने देगी। अमित शाह ने पीडीपी से गठबंधन तोड़ने पर भी सफाई दी। जम्मू और लद्दाख का विकास धीरे 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 पिछड़ता गया, तब हमने सोचा कि अगर सत्ता में रहकर यही होना है तो इससे तो अच्छा है हम विपक्ष में बैठकर इसकी मुखालफत करें, इसका विरोध करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई विकास योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने राजगढ़ में एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा, झूठ और भ्रम फैलाने वाले लोग जमीन सच्चाई से दूर हैं। भ्रम फैलाने में लगे हैं, झूठ फैलाने में लगे हैं, वो जमीनी सच्चाई से किस तरह कट चुके हैं आप इसकी साक्षात तस्वीर है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश शहरी विकास महोत्सव में 350 से ज्यादा योजनाओं का ई लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने राजगढ़ में मोहनपुरा बांध परियोजना का भी लोकार्पण किया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के जनाजे निकाले जाने पर रोक लगाने की तैयारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों के मारे जाने के बाद शव परिवार को नहीं सौंपे जाने की सिफारिश की थी। गृह मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। कांग्रेस ने कहा कि आतंकवादियों का शव परिवार को नहीं सौंपा जाना इंसानियत के खिलाफ है। शव उनके घर वालों को मिलने ही चाहिए, ये इंसानियत के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन इस तरीके का इंतजाम किया जा सकता है कि उनको खामोशी के साथ दफन किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि अगर ये फैसला लिया जाता है तो घाटी के लिए सही नहीं होगा। इंसान है यहाँ, चाहे वो मिलिटेंट है, चाहे फौजी है, चाहे आम शहरी है, इस किस्म की बातें करना ये जहालत है। अब ये डेड बॉडी को लेके क्या करेंगे, इसको पार्लियामेंट में रखेंगे तब शोपीस।
बीजेपी ने कहा कि सरकार हर कदम पर सेना के साथ है। हमने तय किया है कि कश्मीर से आतंकवाद समूल नष्ट खत्म हो और इसके लिए जो प्रयत्न सरकार को करने हैं वो सरकार भी कर रही है, सेना भी कर रही है और हमारे सुरक्षा बल भी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने आज भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को पंजा साहिब गुरुद्वारे जाने से रोक दिया। घटना शनिवार की है। भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने रावलपिंडी स्थित गुरुद्वारे जाने के लिए पहले से मंजूरी ले रखी थी। अजय बिसारिया अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारे जाने वाले थे। वहां सिख श्रद्धालुओं से मिलने का प्लान था। इसके बावजूद उन्हें बिना गुरुद्वारे में शीश झुकाए इस्लामाबाद लौटना पड़ा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की इस हरकत पर पाकिस्तान के डिप्टी कमिश्नर को तलब कर कड़ा विरोध जताया। पाकिस्तान बिसारिया के साथ 2 महीने में दूसरी बार ऐसी घटना दोहराई गई है। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ छेड़े गए बड़े अभियान के बीच आज सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कुपवाड़ा और बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया। जनरल रावत ने सीमा पर सुरक्षा और हालात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद जनरल बिपिन रावत जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से भी मिले। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन के बाद जनरल बिपिन रावत की राज्यपाल एनएन वोहरा से ये पहली मुलाकात थी। सेना कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद अब तक 7 आतंकवादियों को ढेर कर चुकी है।